पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में घटना पर पीड़िता बयान दे रही है। एसपी हाथरस ने वीडियो की पुष्टि की है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी हाथरस ने वीडियो की पुष्टि की है, दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में घटना पर पीड़िता ने बयान दिया है, सुनाते हैं आपको क्या है इस वीडियो में। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। वो भी कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ हुआ कि नहीं? की अच्छा फोन करके। अच्छा हाँ। तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ। अच्छा हाँ। ये दोनों मिले हुए हैं? हाँ। तो उस समय तो बच गए आप। हाँ। फिर तो उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? हाँ। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं किया। तो आपने सुना किस तरीके से पीड़िता ने बताया कि एक बार पहले भी उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी, दोबारा ये कोशिश की गई, जिस कोशिश में वो दरिंदे सफल हो गए। रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद गला इस कदर दबाया कि लड़के की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, पूरी बॉडी में लकवा लग गया। उसके बाद जब गला इस कदर दबाया तो लड़के की जुबान कट गई। ये तमाम चीजें आप सुन रहे हैं जो पीड़िता इस बयान में कह रही है। उसके बावजूद रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि गैंगरेप नहीं हुआ, रिपोर्ट में ये तक कहा जाता है कि जुबान नहीं कटी। पीड़िता का शव जब वो नहीं रही इस दुनिया में, पुलिस वाले अंतिम संस्कार कर देते। कौन देता है पुलिस वालों को अंतिम संस्कार करने का हक? कौन देता है पुलिस वालों को यह हक कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया जाए? इसी को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे आपसे जो पूरा वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पीड़िता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि पहले भी कोशिश की गई थी और इस बार जब कोशिश की गई तो वो दरिंदे कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, ये वीडियो जो है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में पीड़िता साफ बोलती नजर आ रही है कि उसके साथ दो बार है ना दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। एक बार पहली बार उसको नाकाम रहे, दूसरी बार उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद ये वीडियो आज सामने आया। आने के बाद है ना जो एसपी है यहाँ पे विक्रांत जी, उन्होंने इसकी पुष्टि की है जो वीडियो पीड़िता का ही है। अब वीडियो आने के बाद देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई तो उन्होंने पहले भी कर दी थी कि धारा 376(d) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और जगह जगह पुलिस अपने बयान बदलती है कि पहले भी बयान बदला था कि ना उसके साथ रेप नहीं हुआ और उसके साथ मेडिकल में उसकी रिपोर्ट पुष्टि नहीं आई है। इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, पुलिस के अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के बयान से लोगों में काफी आक्रोश है, जो परिवार के लोगों में उनमें पुलिस के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज देखा गया था कि यहाँ शहर में तालाब चौराहे और साथी के चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ, कई गाड़ियां भी तोड़ी गई और गाड़ियों को जलाने का प्रयास भी किया गया। जी वहीं दूसरी तरफ नवीन, आप ये सोचिए रात के अंधेरे में शव जला दिया जाता है और परिजन जो कहते हैं, जो मांग करते हैं, उनकी मांग नहीं सुनी जाती है। पुलिस से सवाल पूछे जाते हैं तो पुलिस के पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। मेरे पास एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें पुलिस वाले घर वालों को ये समझा रहे हैं कि समय के साथ रीति रिवाज बदल जाते हैं। कौन सा रीति रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म में रात में किसी शव को जलाया जाता है? क्या परिजनों की अनुमति के बगैर किसी शव को जलाया जाता है? क्या पेट्रोल डाल के किसी शव को जलाया जाता है? बिल्कुल,
ये तो है, जब वीडियो सामने आया है तो ये भी बात सामने है ना निकल कर आ रही है कि किस तरीके से है ना देर रात उसको ना पीड़िता ने सबको बिना भी किसी हिंदू रीति रिवाज से जला दिया जाता है और पुलिस जबरन उसकी बॉडी को उठाकर है ना अंतिम संस्कार कर देती है। तो परिवार वाले लोग कहते रहते हैं कि हमें अपनी बेटी का चेहरा दिखा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। लगातार प्रयास करते हैं मगर वो बॉडी को ले भी आते हैं, उसके बाद पुलिस उनसे जबरन बॉडी छीन कर अंतिम संस्कार करा देती है। कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि जिसकी पुलिस की कार्रवाई जो है वो स्थिर रही है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। बिल्कुल, तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको सुनाते हैं पीड़िता को वो वीडियो जिसमें वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा फोन करके। अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो पूछती मैं क्या हुआ। कब? एक बार और एक